नमस्कार सत्यनाम, मेरी रसोई में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको गाजर का हलवा बताऊंगी जो कि माइक्रोवेव में हम बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर ये देखिए 1 किलो गाजर लिए है। इसको हम अभी कद्दूकस कर लेंगे छील कर, और आप गाजर छोटी बड़ी किसी भी तरह की आप ले सकते हो। यहाँ पर हम थोड़ा सा घी लेंगे और मिल्क लेंगे और बूरा या चीनी, इसमें से आप कुछ भी काम में ले सकते हो। ड्राई फ्रूट्स हम लेंगे और इलायची पाउडर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे गाजर का हलवा बनाना। इसके लिए सबसे पहले हम इसको छील कर और कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने गाजर को घिस लिया है, ये कद्दूकस करके हमने माइक्रोवेव वाले कटोरे में डाल लिया है। और अब हम इसमें, ये हमारी करीबन 1.25 किलो गाजर है, हमने 1 किलो ली थी उसमें से थोड़ी सी बचा ली है क्योंकि हमारे कटोरे में मान नहीं रही थी। और अब हम इसमें 2 कप मिल्क के ऐड करेंगे। ये देखिए, और आप चाहो तो आपके पास जो बची हुई मलाई हो वो आप इसमें अभी डाल सकते हो। ये देखिए, ये मेरे इसमें मलाई है मिल्क में, और ऊपर से भी मैं इसमें मलाई डालूंगी। ये देखिए, मलाई हमें ज़्यादा दिन पुरानी काम में नहीं लेनी है। ये देखिए, मैंने मलाई खट्टी कर रखी है, ये कल की मलाई है हमारी, यानी ये 3 टाइम की हमारी मलाई हो गई एक दिन की। और अब हम इसमें आधी मलाई डालेंगे, लेकिन इससे पहले हम इसको 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। देखिए, हम इसके स्विच को ऑन करेंगे और हमारे मिल्क के गाजर के कटोरे को हम अंदर सेट करेंगे इस तरीके से। और अब हम इसको 10 मिनट के लिए स्टार्ट करेंगे। ये 10 मिनट का हमने टाइमर सेट कराया है। ये हमारा 10 मिनट का हो चुका है। अब हम खोलकर चेक करेंगे, इसको केयरफुली बाहर निकालेंगे। देखिए, और अब हम इसको एक बार हिलाएंगे और इसमें मलाई डालेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं हमारे, ये बादाम हमने लिए हैं, इसकी कतरन हम कर लेंगे अभी। काजू हमने लिए हैं, इसकी कतरन करेंगे। और ये नारियल का बुरादा लिया है, आप चाहो तो नारियल की गिरी लेके आप उसको पतले पतले स्लाइस में काट के वो भी आप डाल सकते हो। और किशमिश हमने लिए है, चीनी हम यहाँ पे लेंगे 2 कटोरी। आप चाहो तो यहाँ पर पिस्ता आप डाल सकते हो, और इलायची पाउडर का हम यूज़ करेंगे। अब हम इसको हिलाएंगे एक बार। ये देखिए, ये सॉफ्ट हमारी हो गई। देखिए, आप देख सकते हो इसमें से अच्छे से धुआं निकल रहा है। ये देखिए, इसको इस तरीके से नीचे वाली को ऊपर कर देंगे हम, और ये किनारों पे जो चिपकी हुई है उसको हटा लेंगे, इसको बीच में कर देंगे। देखिए, ये देखिए, आप चाहो तो इस कंडीशन में आप अभी और गाजर जो आपके पास घिसी हुई है वो आप इसमें मिला सकते हो थोड़ी सी। ये देखिए, और अब हम इसमें मलाई ऐड करेंगे। गाइस, आप ध्यान रखिएगा, मलाई ज़्यादा पुरानी आप यूज़ में मत लीजिएगा। ये देखिए, मलाई से जो है हमारा जो गाजर का हलवा है वो बहुत टेस्टी बनेगा, मलाई मावा बन जाएगी। देखिए, हमने फिर से यहाँ पर 10 मिनट के लिए मलाई डाल के इसको फिर से माइक्रोवेव करा। अब हम इसको 5 मिनट में देख लेंगे, 5 मिनट में हमारी मलाई पक जाएगी। तो अब हम चेक करेंगे, अभी ये 8 मिनट हो रखे हैं, 8:30, और 5 मिनट होते ही हम इसको चेक करेंगे। देखिए गाइस, 5 मिनट हमारे हो गए हैं और अब हम इसको चेक करेंगे। देखिए, और इसको ध्यान से हम उसी तरीके से कपड़े की सहायता से पकड़कर इसको बाहर निकालेंगे।
ये बहुत ध्यान पूर्वक करना है गाइस आपको। बहुत गर्म है ये देखिए कितना अच्छा कलर हमारी गाजर का आया है, आप देख सकते हो ये देखिए। और अब हम इसको फिर से हिलाएंगे, ये देखिए किनारों पे जो चिपकी हुई है इसको हम बीच में कर लेंगे, इसको अच्छे से हिला के, ये देखिए। देखिए इसको इस तरीके से अच्छे से हिला के, आप चाहो तो इसमें मलाई और ऐड कर सकते हो आप। और इसको हम 5 मिनट के लिए और माइक्रोवेव करेंगे ताकि जो हमारा दूध है ये सूख जाए। फिर इसके अंदर हम चीनी मिलाएंगे और ड्राई फ्रूट्स मिलाएंगे, अगर आपके पास मावा हो तो आप वो मिला सकते हो, बट हमने यहाँ मलाई का प्रयोग किया है इसलिए हम यहाँ मावा अवॉइड करेंगे। फिर से हमने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है और अब हम देखिए यहाँ पर टाइम रुक जाता है, इसको फिर से हमें रीस्टार्ट करना होता है, तो हम इसको रीस्टार्ट के बटन को फिर से दबा देंगे तो ये वापस हमारा माइक्रोवेव चल गया और ये 5 मिनट हम फिर से कर रहे हैं। हमारा 5 मिनट का माइक्रोवेव हो रहा है, इतनी देर में हमने बादाम को काट लिया है, इस तरीके से कतरन कर लिए, और ये देखिए नारियल को हमने इस तरीके से स्लाइस कर लिए, ये देखिए वोले को। और हम साबुत ही डालने वाले हैं काजू, आप चाहो तो इसकी टुकड़ी कर सकते हो। और अब हम इलायची को कूटेंगे, इलायची का फ्लेवर आपको जितना पसंद हो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी इलायची आप ले सकते हो। ये मैंने करीबन यहाँ पर 10 या 20 इलायची हमने ली है, ये देखिए 20 हमने इलायची यहाँ पर ली है और इसको अब हम कूट लेंगे। अब 5 मिनट का हो चुका है और अब हम इसको चेक करेंगे केयरफुली, इसको फिर से हम बाहर निकालेंगे। देखिए गाइस कितना अच्छा कलर हमारे गाजर का आया है, आप खुद देख सकते हो। हम इसको फिर से हिलाएंगे, चेक करेंगे कि हमारा मिल्क सूखा कि नहीं सूखा, ये देखिए करीबन हमारा मिल्क सूख चुका है। और अब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और चीनी मिलाएंगे, ये देखिए गाइस हमने इसको अच्छे से हिला लिया है। अब आप चाहो तो इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल के और इसके साथ ही आप चीनी डाल सकते हो, और नहीं तो आप केवल चीनी डालकर और 5 मिनट का माइक्रोवेव आप कर सकते हो। हम यहाँ पर दोनों चीज़ एक साथ डालेंगे, तो ये देखिए मैंने काजू और किशमिश बूरा और ये बादाम और ये नारियल लिया है हमने, तो इसको हम डेकोरेट करने के लिए थोड़ा सा बाहर रख लेते हैं और बाकी को हम सारे को इसमें डाल देंगे। ये देखिए अब हम इसमें चीनी डालेंगे, चीनी आप स्वाद अनुसार आप ले सकते हो, जितना मीठा आप खाना पसंद करते हो उसके हिसाब से आप ले सकते हो। आप डायबिटिक पेशेंट हो तो आप यहाँ पर शुगर फ्री का उपयोग आप कर सकते हो, शुगर सिरप भी आती है और ये गोली के रूप में भी हमें मिलती है। देखिए ये इस तरीके की शुगर फ्री गोली आती है जो आप यूज़ में ले सकते हो। और अब हम इसको अच्छे से मिला के और फिर इसको हम 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव करेंगे। यहाँ मैंने 1 कटोरी चीनी डाली, आप चाहो तो ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो आप 2 कटोरी या 2.5 कटोरी भी आप डाल सकते हो। ये देखिए अच्छे से हमने इसको मिला लिया है और अब हम यहाँ फिर से 5 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव करेंगे। केयरफुली हमें इसको उठाकर ऊपर रखना है। हमने इसको रख दिया है और अब फिर से हम इसको, ये देखिए हमने 10 मिनट का यहाँ पर सेट करा है, इसको 5 मिनट में हम चेक कर लेंगे
स्टार्ट का बटन हम दबाएंगे, ये हमारा 10 मिनट के लिए सेट हो गया माइक्रोवेव। हम 5 मिनट बाद इसको चेक करेंगे। हम देखिए गाइस 5 मिनट होने वाले हैं, अब हम चेक कर हम चेक करेंगे कि हमारा हलवा कैसा बन के तैयार हुआ है गाजर का। इसको केयरफुली हम नीचे निकालेंगे, अब इसमें से निकाल कर नीचे रख लेंगे। देखिए गाइस कपड़े की सहायता से आप निकालिएगा क्योंकि ये बहुत गर्म है। कैसे देखिए गाइस हमारा हलवा बनके तैयार है और कितना अच्छा कलर इसका आया है आप खुद देख सकते हो। और अब हम इसको सर्व करेंगे, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए गाइस अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल रहे हैं, अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे। इसमें आप घी भी मिला सकते हो गाइस, बट मैं यह घी अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर दूध और मलाई का भरपूर उपयोग किया है। गाइस हम चेक करेंगे, ये देखिए हलवा हमारा बनके तैयार है और मलाई का देखिए ये मावा बन गया है। और अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए इसी में हम डेकोरेट कर रहे हैं, काजू से हम कर रहे हैं, आप चाहो तो सर्व कर सकते हो ये देखिए, बट ये मुझे इसी में अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी जो बाउल है वो फुल भरी हुई है। जब आप इसको गर्म खाना पसंद करते हो तो माइक्रोवेव करके और आप फटाफट से सर्व कर सकते हो, और ठंडा खाना पसंद करते हो, वैसे सर्दी में ये गर्म गर्म ही खाया जाता है और फटाफट ये बन जाता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट गाइज़।